में आपका स्वागत है। अब आपको बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय माकन जी का स्वागत समारोह हो रहा है और श्री कैलाश जैन जी जो बाबरपुर के वरिष्ठ नेता हैं वो यहां पर इस प्रोग्राम में जुटे हुए हैं और 28 तारीख को बाबरपुर बस टर्मिनल पर ये कंबल वितरण कार्यक्रम होगा और स्वागत समारोह होगा। इसमें हमने श्री कैलाश जैन जी से बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं कैलाश जैन जी की बातचीत। बोलते रहो, चुपचाप बैठ गए। कल जो स्वागत समारोह हो रहा है श्री अजय माकन जी का, तो इसमें कंबल वितरण का जो प्रोग्राम आपने रखा है तो कितने लोगों को कंबल वितरण किया जाएगा बाबरपुर बस टर्मिनल पर? आपका जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है इसके बारे में बताइए। कल का जो प्रोग्राम होने जा रहा है, मेन प्रोग्राम जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी द्वारा दोबारा जो अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नियुक्त किए हैं, बहुत ही लोकप्रिय दिल्ली के नेता श्री अजय माकन जी को, उसके उपलक्ष में बाबरपुर विधानसभा में उनके सम्मान में ये प्रोग्राम रखा हुआ है और बाबरपुर विधानसभा के तमाम जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो सब उनका सम्मान करेंगे और सम्मान करने के साथ साथ जो ज़रूरतमंद और गरीब लोग हैं उनको कंबल वितरण समारोह भी रखा गया है। उनके करकमलों द्वारा, आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा कंबल वितरण समारोह होगा। अब जो कंबल ज़रूरतमंद लोग हैं वो कंबल लेंगे, उसमें 500 इस स्वागत समारोह कार्यक्रम के जरिए क्या कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत को समेटने का काम कर रही है? देखो, कांग्रेस पार्टी तो ताकतवर पार्टी है, तुम दिल्ली की बात छोड़ो, पूरे देश के कोने कोने गली गली में कांग्रेस का कार्यकर्ता है। इतना है कि कभी अनएक्टिव हो जाता है कभी कभी, और अगर सही मायने में उनको पूरी तरह से एक्टिव किया जाए तो दिल्ली क्या देश में कांग्रेस के सबसे ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जो जनता के समाधान के लिए हमेशा तत्पर जुटे रहते हैं, वो चुनाव चुनूव नहीं देखते कि आज चुनाव हो रहा है तो हमें जनता के हित में काम करना चाहिए, जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। पूरी दिल्ली के अंदर कांग्रेस की जितने भी वर्कर हैं, कांग्रेस के वर्कर के खून में ये पैदा है कि हम लोगों को काम आएँ, लोगों की समस्याओं का समाधान करवाएँ। कांग्रेस पार्टी क्या क्या चुनौतियां मानती हैं दिल्ली में, खास तौर से आप बाबरपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या विकास कार्य हो रहे हैं या नहीं हुए हैं? देखो, यहाँ केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार दोनों में एक दूसरे पे आरोप मंडने का काम करती हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाने का काम कर रही हैं। विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा, केवल आप डिबेट में देखते होंगे जिस तरह डिबेट में आता है, को भाईचारे की और विकास की कोई बात नहीं होती, केवल लड़ाने की बात होती है, भाईचारा बिगाड़ने की बात होती है, इसके अलावा कोई बात नहीं होती। विकास की जहाँ तक सवाल है, विकास के चाहे एमसीडी में इनकी सरकार है बीजेपी की, ना कूड़े उठने का काम है, ना कोई गाद निकलने का काम है, ना कहीं आज सीलिंग के नाम पर आज त्राही त्राही मछली है पूरे देश के अंदर, पूरे दिल्ली के अंदर। सीलिंग जिस समय सीलिंग हो रही थी, सरकार थी कांग्रेस की उस समय, देश में सरकार थी कांग्रेस की, दिल्ली में भी, उन दोनों ने अध्यादेश लाने का काम किया, लोकसभा में राज्यसभा में 2006 में इस अध्यादेश को ला करके और राष्ट्रपति जी से नोटिफिकेशन करवा के, और दिल्ली की जनता की जो बहुत बड़ी तलवार लटक रही थी उस तलवार को हटाने का काम किया। और आज की डेट में जो ये सीलिंग का मुद्दा चल रहा है पूरी दिल्ली के अंदर और हमारे बाबरपुर विधानसभा में भी, तमाम विधानसभाओं में ये मुद्दा बहुत ही ऊपर है, उसको ना दिल्ली सरकार ख़त्म करना चाहती है ना केंद्र सरकार, दोनों एक दूसरे पे मत्थे पे दूसरे पे थोपना चाह रहे हैं आरोप प्रत्यारोप, लेकिन सत्यता यह है कि काम करना कोई ना चाहती, नहीं तो दिल्ली सरकार चाह रही ना केंद्र सरकार चाह रही। बहुत बहुत शुक्रिया साहब।